प्यारी जमीन पर्ल एस बक के नॉवल का उर्दू तर्जुमा बाब दो। अब वांगलुंग चैन की बंसी बजाने लगा। दूसरे दिन सुबह बिस्तर पर पड़े पड़े वो उस औरत को देखने लगा जो अब सर तापा उसकी थी। वो उठी और अपने बेबंद लिबास को झटकते ऐंठते हुए जिस्म पर बिठाकर उसे अपने गले और सीने पर ढांकने लगी। फिर अपने पैर चप्पल में डालकर उसके तस्मे बांध लिए। छोटे से झरोके से धूप छन छन कर उसके मुखरे को उजाल रही थी। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यह देखकर वांगलुंग को ताज्जुब हुआ। वो तो यह सोचे बैठा था कि यह रात उसे बदल देगी, लेकिन वो औरत उसके पलंग से यों उठ रही थी गोया जिंदगी की सारी रातें उसने यहीं गुजारी हों। पाँव फटने से बूढ़े की खांसी की आवाज नारे जंग की तरह बुलंद हुई। उसे सुनकर वांगलुंग बोला, पहले अब्बा को गरारा के लिए गर्म पानी दे आओ। ओलान की आवाज आज भी वही थी जो कल थी जब उसने पूछा, क्या उसमें चाय की पत्तियां भी भिगो दूं? इस सीधे साधे सवाल ने वांगलुंग को चक्कर में डाल दिया। यह जवाब उसकी जबान पर आकर रह गया, और नहीं तो क्या? क्या हमें कोई भिकमंगा जाना है? वो ओलान पर साबित करना चाहता था कि यहां चाय की पत्ती और घास फूस में कोई फर्क नहीं। होवांग की हवेली में तो पानी का हर प्याला चाय के रंग में डूबा हुआ होता था। वहां शायद गुलाम भी सादा पानी न पीता हो। लेकिन फिर वांगलुंग को याद आया कि अगर पहले ही दिन उसकी बीवी पानी के बजाय चाय ले गई तो बड़े मियां आग बगुला हो जाएंगे। और सच्ची बात यह है कि वो ऐसे कहां के धन्ना सेठ थे। चुनांचे उसने लापरवाही से कहा, चाय? नहीं नहीं, इससे उनकी खांसी बढ़ जाती है। बिस्तर पर वो आराम और इत्मीनान से लेटा रहा और उधर औरत आग सुलगाने और पानी गर्म करने लगी। वो चाहता तो दोबारा सो सकता था, लेकिन उसके जिस्म को मुद्दतों से तड़के उठने की बेहुदा आदत पड़ चुकी थी। वो सोने से इनकार कर रहा था, इसलिए वांगलुंग ऐंठता पड़ा रहा और अपने दिमाग और दिल को निशात काहिली से निहाल करने लगा। अब भी अपनी बीवी के तस्वुर से उसे झेप सी आ जाती थी। वो अपने खेत, गेहूं के पौधों और बारिश होने की सूरत में अपनी फसल की पैदावार पर गौर करने लगा। वो सफेद शलजम के बीजों के मसले को भी न भूला, जिन्हें मोल तय हो जाने पर पड़ोसी चुंग से खरीदना था। रोजमर्रा के इन बातों के बीच में उसके ख्याल का यह ताना बाना जारी रहा कि जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली हो गई है। वो रात की बात का सोच करते करते यक बैक उसके दिल में यह सवाल उठा कि ओलान मुझे पसंद करती है या नहीं। यह एक नई पहेली थी। वो सोचने लगा कि वो उसे चाहेगी या नहीं, और इस मकान और पलंग में उसे राहत मिलेगी या नहीं। गो ओलान का चेहरा बेनमक था और उसके हाथ सख्त थे, लेकिन उसका बदन अछूता और गुदास था। जब वांगलुंग को उसका ख्याल आया तो वो हंस पड़ा। जिस तरह पिछली रात के अंधेरे में वो खिलखिला पड़ा था, यह अम्र यकीनी था कि हवेली में किसी ने उस बांदी को हाथ न लगाया था। उसका जिस्म सिडोल और गुदगुदा था। अचानक वांगलुंग को यह ख्वाहिश हुई कि ओलान उसे शौहर की तरह चाहे, मगर फिर वो शर्मा कर रह गया। दरवाजा खुला और ओलान खामोशी से अंदर दाखिल हुई। उसके दोनों हाथों में एक प्याला था जिससे भाप निकल रही थी। वो पलंग पर उठ बैठा और प्याला ले लिया। पानी की सतह पर चाय की पत्तियां तैर रही थीं। वांगलुंग ने तीखी चितवनों से उसे देखा। ओलान सहम गई और बोली, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं बड़े मियाँ के लिए चाय नहीं ले गई, मगर तुम्हारे लिए। वांगलुंग को यह देखकर खुशी हुई कि वो उसका खौफ खाती है, और उसने मजा ले लेकर चाय सुड़पते हुए फौरन कहा, अच्छा किया, मुझे यह पसंद है। वो इस नई मुसर्रत का इजहार अपने आप से भी नहीं करना चाहता था, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। वांगलुंग को महसूस हुआ कि महीनों उसने ओलान की नकल व हरकत पर निगाह रखने के अलावा और कुछ न किया, लेकिन हकीकत यह है कि इस दौरान में वो हमेशा की तरह अपने काम में मशगूल रहा। कंधे पर खुरपा रखकर वो अपने खेत में जाता, फसल बोता और बैल को हल में जोतकर
पश्चिम की पट्टी में प्याज और लहसुन की बाढ़ लगाता, लेकिन यह मेहनत उसे खलती न थी, क्योंकि जब सूरज सर पर आता तो वो घर जाता जहां साफ सुथरी मेज पर खाना चुना होता और प्यालों के साथ तीलियां रखी होती। अब तक थकावट के बावजूद घर लौटकर उसे खुद खाना पकाना पड़ता था। यहां अगर बड़े मियाँ के पेट में पहले से चूहे कूदने लगे और उन्होंने कुछ कच्चा पक्का पकाकर लहसुन के साथ हलक के नीचे उतार लिया तो दूसरी बात थी, लेकिन अब घर में जो कुछ हुआ उसके लिए हाजिर होता और वो आराम से उसे खा सकता था। घर लिपा पुता हुआ था और ईंधन की कोठरी भरी पड़ी थी। सुबह जब वांगलुंग खेत की राह लेता तो ओलान रस्सी और बांस लिए हुए मैदान की तरफ निकल जाती। यहां से कुछ पत्तियां, वहां से कुछ खिच्चियां बटोर कर वो पहर भर में दिन भर के लिए ईंधन जमा कर लाती। वांगलुंग खुश होता कि ईंधन खरीदना न होगा। तीसरे पहर टोकरा और खुरपी लिए हुए वो बड़ी सड़क की जानिब जाती, जहां शहर आने जाने वाले घोड़ों गधों की कतार लगी होती। उनकी लीद लाकर वो खेत के लिए खाद बनाती। यह सब काम किसी के कहे बगैर वो अपनी मर्जी से करती थी। शाम हो जाने पर भी वो उस वक्त तक चुप न बैठती जब तक बैल अपने खूंटे पर न चला जाता और वो उसके लिए नांद में पानी भर कर न रख देती। कपास की पोनी से बांस की तकली में धागा बुनकर उसने गर्म कपड़ों के सुराखों की भरत की। तोशक और लिहाफ के गिलाफ निकालकर उसने धोए और सूखने के लिए धूप में डाल दिए। दकियानुसी रुई को धुनकर उसने पिस्सुओं और खटमलों को मारा जो कोने खदरों में छुपे रहते थे। हर रोज वो कोई नया इंतजाम करती, हत्ता के तीनों कमरों में रौनक सी आ गई। बुड्ढे की खांसी भी कम हो गई और वो दीवार से लगकर धूप खाता, मल्हार गाता और पड़ा रहने लगा। लेकिन जिंदगी की चंद जरूरियात के अलावा यह औरत और किसी मामले पर जबान न खोलती थी। वांगलुंग चोर नजरों से कभी उसके चौड़े चकले चेहरे को और उसके बड़े बड़े पैरों को और कभी उसकी सहमी हुई चितवनों को देखता और अपने को उस औरत को समझने से कासिर पाता। रात को वो उसके बदन के नर्म गठीलेपन को महसूस क्या करता, लेकिन सुबह यह जिस्म सादे सूती कपड़ों में छुप जाता और वो एक बेजबान ईमानदार बांदी के रूप में बदल जाती। यह पूछना वांगलुंग की शान के खिलाफ था कि तुम बोलती क्यों नहीं, यह काफी था कि वो अपनी खिदमत अंजाम देती थी। कभी कभी खेत की मिट्टी उलट पुलट करते हुए वो ओलान के ध्यान में गुम हो जाता। हवेली के दरो दालान में उस पर क्या गुजरी होगी, उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी, वो जिंदगी जिसके मुतालिक उसने अपने शौहर से कभी कुछ न कहा था। वांगलुंग के लिए यह एक अबूझ पहेली थी। फिर उसे अपने तजस्सुस और दिलचस्पी पर निदामत होती, वो महज एक औरत ही तो थी। लेकिन तीन कमरों की सफाई और दो मर्तबा चूल्हे की जलाई भला उस बांदी की मसरूफियत के लिए कब काफी होती जो एक हवेली में सुबह से आधी रात तक काम करने की आदी रही हो। एक रोज जब वांगलुंग गेहूं के खेत में निलाई करते करते थक कर चूर चूर हो गया था, ओलान का साया उसकी खुरपी पर पड़ा और उसने देखा कि वो कंधे पर बेलचा लिए हुए खड़ी है। उसने सिर्फ इतना कहा, शाम तक घर में कुछ करने को नहीं है। बे कुछ कहे सुने ओलान ने अपने शौहर के बाएं बाजू पर आकर हल थामा और निलाई में मसरूफ हो गई। सूरज उन पर तमतमा रहा था क्योंकि यह गर्मी का आगाज था। ओलान का चेहरा पसीने से शराबोर हो गया। वांगलुंग शलोका उतार कर नंगे बदन काम करने लगा, लेकिन ओलान की महीन कुर्ती देखते देखते तरबतर होकर उसके जिस्म से चिपक गई। घंटों वो दोनों चुपचाप एक गत से काम करते गए, यहां तक कि उनमें एक किस्म की हम आहंगी सी पैदा हो गई और वांगलुंग ताजा दम हो गया। वो सब कुछ भूल गया। मुशक्कत की इस हम आहंगी के सिवा उसे किसी चीज का ध्यान न रहा। उसे इतना याद रहा कि यह मिट्टी जिसे वो तह बतह उलटकर सूरज का मुंह दिखा रहा है उसकी पालनहार है। इसी मिट्टी से उसके देवता घड़े जाते हैं और उसके मकानों की तामीर होती है। इसकी रंगत सियाह थी और वो जरखेज मालूम होती थी। खुरपे की नोक से उछलकर वो इधर उधर बिखर जाती थी। कभी ईंट या लकड़ी का एक आध टुकड़ा निकल आता। किसी जमाने में यहां शहर आबाद होंगे,
इसी जगह सरबुलंद हवेलियां मिसमार होकर मिट्टी में मिल गई होंगी और इसी तरह कभी उनका घर और उनके जिस्म भी खाक के सुपुर्द हो जाएंगे। सबको इसी मिट्टी से पाला पड़ना है और वो दोनों बेआवाज एक लय और एक गत से काम करते गए, दोनों जमीन की कोख से फल पैदा करने लगे। जब सूरज डूब गया तो मर्द ने आहिस्ता आहिस्ता पीठ सीधी करके औरत की तरफ देखा। उसका चेहरा भीग कर मिट्टी से लिथड़ गया था और मिट्टी की ही तरह उसका रंग खाकी था। उसका भीगा हुआ सियाह लिबास चौकोर बदन से चिपक गया था। हौले हौले आखिरी बाह का निशान बनाकर उसने हसबे मामूल अपने सादा अंदाज में, जो शाम की खामोशी में ज्यादा बेरंग मालूम होता था, कहा, मैं हमल से हूं। वांगलुंग सन्नाटे में आ गया और वो इस मामले में कह भी क्या सकता था। ओलान झुककर हल में फंसा हुआ ईंट का टुकड़ा निकालने लगी। उसने यह ऐलान बिल्कुल इसी तरह किया था जिस तरह चाय तैयार है या खाना खा लो कहा करती थी। उसके लिए यह ऐसी ही मामूली सी बात थी, मगर वांगलुंग के लिए, उसे खुद मालूम न था कि यह कैसी अहमियत रखती है। उसका दिल उछलकर यूं रुक गया जैसे किसी दीवार से टकरा गया हो। अच्छा, जमीन अब उन्हें निहाल कर देगी। ओलान के हाथ से खुरपी छीन कर उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अब रहने भी दो, शाम हो चली, आओ बड़े मियां को खुशखबरी सुनाएं। दोनों ने घर की राह ली। औरत के मर्तबे के मुताबिक ओलान अपने शौहर के 5 कदम पीछे रही। बुढ़ा दरवाजे पर खाने की आस में खड़ा हुआ था। अब जो घर में एक औरत आ गई थी, उसने चूल्हे को हाथ लगाने की कसम खा रखी थी। भूख से बेकरार होकर वो चिल्लाया, बुढ़ापे में मुझसे आतों की यह हाय पुकार नहीं सुनी जाती। मगर वांगलुंग ने उसे अंदर ले जाकर कहा, उसके पैर तो अभी से भारी हो गए। उसने यह जुमला उसी लापरवाही से कहना चाहा जैसे कोई कहे कि आज मैंने फलां खेत में निराई कर दी, लेकिन वांगलुंग से यह न हो सका। हालांकि उसने धीरे से यह खबर सुनाई थी, लेकिन उसे ऐसा मालूम हुआ गोया वो गला फाड़ कर चिल्ला उठा हो। आन भर के लिए बड़े मियाँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब असल रमज समझ में आई तो वो कहकहा मारकर हंस पड़े। बहू को पुकार कर बोले, ओ हो हो, फसल कटने के दिन करीब आ गए। झुटपुटे में ओलान का चेहरा नजर न आया, लेकिन उसने सीधेपन से जवाब दिया, मैं फौरन खाना तैयार करती हूं। बुड्ढे ने ललचाकर कहा, हां हां खाना, और बच्चों की तरह वो उसके पीछे पीछे बावर्ची खाने की तरफ चला, जिस तरह पोते के तसव्वुर ने उसके जहन से खाने की याद भुला दी थी, अब खाने के ध्यान ने पोते का ख्याल महव कर दिया। लेकिन वांगलुंग अंधेरे में सर छुपाए बैठा हुआ था। उसके जिस्म से, उसके बीच से जिंदगी नमूदार होने वाली थी। बाब 3। जब विलादत की सात करीब आई तो मर्द ने औरत से कहा, इस मौके पर तुम्हारी देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत है। मगर ओलान ने सर हिलाया। रात के खाने के बाद वह बर्तन धो रही थी। बड़े मियां अपनी सुख सेज पर आराम फरमा थे। ये दोनों अकेले थे और कमरे को रोशन करने के लिए तिली के तेल का एक टिमटिमाता हुआ दिया था, जिसमें रुई की पोनी बत्ती का काम दे रही थी। उसने अचंभे में आकर पूछा, कोई औरत नहीं? अब वांगलुंग को उस एकतरफा गुफ्तगु की आदत सी पड़ चली थी, जिसमें ओलान हाथ या सर की जुम्बिश या अपने चौड़े दहाने से एक आध लफ्ज टपका देने के सिवा और कोई हिस्सा न लेती थी। वांगलुंग को इस किस्म की बातचीत में मजा सा मिलने लगा। वो कहने लगा, लेकिन घर में मर्द ही मर्द हुए तो कैसी अजीब बात होगी। मेरी माँ ने गांव से एक औरत बुलाई थी। सच तो यह है कि मैं इन मरहलों से नावाकिफ हूं। क्या उस हवेली में कोई बूढ़ी बांदियों में तुम्हारी कोई सखी सहेली नहीं जो हाथ बटाने आ जाए? आज पहली बार उसने उस हवेली का जिक्र किया जहां से ओलान आई थी। उसका नाम सुनते ही ओलान अपने शौहर की तरफ पलटी। उसकी छोटी छोटी सी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा गुस्सा से तमतमा पड़ा और वो चीख कर बोली, उस घर में मेरा कोई नहीं है। वांगलुंग की चिलम उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी और वह उसे देखते का देखता रह गया। लेकिन ओलान यकायक मिस्कीनों का सा मुंह बनाए यूं बर्तन धोने में मसरूफ थी, गोया कभी मुंह खोला ही न था। यह क्या माजरा है? वांगलुंग ने हैरत से कहा।
मगर कोई जवाब न पाकर उसने अपनी दलीलों का सिलसिला जारी रखा। हम बाप बेटों ने कभी दायागिरी नहीं की है। अब्बा तुम्हारे कमरे में आने से रहे और मुझसे पूछो तो मैंने आज तक किसी गाय के बच्चे के जन्म का भी नजारा नहीं किया। मेरे भूंडे हाथ बच्चे का जिस्म छील देंगे। आखिर जब बांदियां बच्चे पैदा करती ही हैं तो बड़ी हवेली से किसी को। औलाद ने एहतियात से बर्तन एक किनारे लगाए और मर्द को गौर से देखकर जवाब दिया, उस हवेली में मैं अपने बच्चे के बगैर पांव न रखूंगी। मैं सुर्ख शलोका पहनाऊंगी और उसके जांघिए पर लाल फूल टके होंगे। उसकी टोपी के सामने बुद्ध की मूरत जगमगाती होगी और उसके पैरों में शेर चेहरा जूते होंगे। मैं नई जूतियां पहनूंगी और सियाह साटन का नया कोट मेरे जिस्म पर होगा। इस सजधज से मैं उस बावर्ची खाने में जाऊंगी जहां मैंने गुलामी की है और उस दीवान खाने में जहां बड़ी बेगम अफ्यून का सुल्फा लिए बैठी रहती हैं, और मैं उन सबको अपना बच्चा और अपनी सूरत दिखाऊंगी। वांगलुंग ने कभी उसकी जबान से इतनी लंबी तकरीर नहीं सुनी थी। अल्फाज उसकी जबान से आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल निकलते गए और तब कहीं उन हजरत की समझ में आया कि वो अरसे से मन ही मन में यह मंसूबे बांध रही है। खेत में उसके साथ काम करते करते उसने यह सारी स्कीम तैयार की थी। औरत क्या, यह तो एक अजायब घर है। वांगलुंग ने तो सोचा था कि यह औरत दिन रात घर बार के काम में ऐसी मशगूल रहती है कि बच्चे की फिक्र करने की मोहलत उसे मिलती ही नहीं, मगर अब देखो कि वो बच्चे को सर तापा मलबूस और अपने आप को नया कोट डटाए टहलते हुए देख रही है। पहली मर्तबा मियां वांगलुंग सिट्टी भोभे और वो चिलम में तंबाकू भरते रह गए। फिर उसने कुछ तुनक कर पूछा, इन अलल्ले तलल्लों के लिए तुम्हें कुछ दाम भी तो चाहिए। औलाद ने डरते डरते कहा, अगर तुम मुझे 3 रुपया दे सको। यह बड़ी रकम है, लेकिन मैंने सब हिसाब लगा लिया है और 1 पैसा भी जाया न होने पाएगा। कपड़े वाले से मैं एक एक तार वसूल कर लूंगी। वांगलुंग ने बटवे में हाथ डाला। कल ही उसने पश्चिम के खेत की बौली के 1.5 गट्टर सरकंडे शहर के बाजार में बेचे थे और बटवे में 3 से ज्यादा रुपये खनक रहे थे। उसने चांदी के 3 डॉलर मेज पर रख दिए। कुछ झिझक के बाद उसने 1/4 सिक्का भी निकाल कर रख दिया, जिसे वो अरसे से छुपाए हुए था कि कभी जी चाहा तो चाय खाने में बाजी लगाएगा। लेकिन वहां वो मेजों की गर्दिश और खड़खड़ाते हुए पांसों के तमाशे के सिवा और कुछ न कर सकता। सहम कर रह जाता कि कहीं हार न बैठे। फुर्सत की घड़ियां वो दास्तांगों की दुकान में काटता जहां उसकी झोली में एकन्नी डालकर कोई भी एक पुरानी कहानी सुन सकता था। तुम यह रुपया भी रख लो। कागज की बत्ती से फुर्ती से चिलम सुलगाते हुए उसने कहा, रेशम की कतरन मिल जाए तो इसका कोट बना देना, आखिर यह पहला बच्चा है। औलाद ने फौरन यह रुपए न उठाए। उन्हें देर तक देखकर उसने मुंह ही मुंह में कहा, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं चांदी छू रही हूं। यह कहकर उसने झटपट वो रुपए मुट्ठी में छुपा लिए और खाप गाह में चली गई। वांगलुंग धुएं के बादल उड़ाते हुए चांदी के उन सिक्कों का तसव्वुर करने लगा। यह चांदी जमीन से निकली थी, इसी जमीन से जिसे वो बोता और खोदता था। उसकी जिंदगी इसी मिट्टी से इबारत है। खून और पसीना एक करके वो इससे गजा हासिल करता है और यह गजा चांदी में बदलती है। इससे पहले किसी को चांदी देते हुए उसे यह महसूस होता कि जिस्म की बूटी काट कर दे रहा है, लेकिन आज उसे चांदी लुटाकर कोई अफसोस न हुआ। यह चांदी शहर के किसी व्यापारी के हाथ में नहीं जा रही थी, बल्कि वांगलुंग ने देखा कि वो पिघलकर उसके बेटे के लिबास की सूरत में मुबद्दल हो गई है और उसकी इस अजीब गरीब बीवी ने, जो बेकहे सुने काम किए जाती है और गोया हमेशा आंख बंद रखती है, हां उसके तखयुल ने उसके बेटे को जामाजेब किया है। जब वो मौका आया तो औलाद ने किसी को अपने पास न रहने दिया। अभी सूरज गुरूब हो ही रहा था कि यह वाकया पेश आया। वो शौहर के साथ खेत में काम करने गई थी। गेहूं की फसल कट चुकी थी और उसकी जगह धान के पौधे लहलहा रहे थे। उसकी कोपलें भरी पूरी थीं और गर्मा की बरसात और आगाज खजा की शादाब अंगेज धूप ने उनकी पोर पोर को निहाल कर दिया था। दिन भर वो दोनों झुके झुके हंसियों से कटाई क्या करते। बच्चे के बोझ के सबब से वो बमुश्किल झुक सकती।
उसका हाथ भी तेजी से न चल सकता था, इसलिए वांगलुंग आगे निकल गया था और वह पीछे थी। जैसे जैसे धूप ढलती गई उसकी रफ्तार सुस्त पड़ती गई। वांगलुंग बेसब्री से उसे देख देख कर रह जाता था। शाम के लगभग काम रोक कर वो उठ खड़ी हुई और हंसिया उसके हाथों से गिर पड़ा। उसके चेहरे से पसीना छूट रहा था, एक नए कर्ब का पसीना। ओलान ने कहा, वो मुहूर्त आ गई, मैं घर जा रही हूं। जब तक मैं न बुलाऊं तुम न आना, अलबत्ता एक नया सरकंडा छील कर मुझे दे जाना ताकि उससे मैं बच्चे की नाल काट दूं। वो खेतों से होकर इस तरह घर की तरफ चली गोया कुछ हुआ ही न हो। जब वो नजर से गायब हो गई तो वांगलुंग ऊपरी खेत की बाउली के किनारे गया और एक पतला सा हरा सा सरकंडा चुनकर एहतियात से उसे छीला और हंसिए की धार से उसे चीर दिया। खिजा में शाम की स्याही फौरन गहरी हो जाती है, सो वो हंसिया उठाकर घर चल दिया। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि मेज पर गर्मा गर्म खाना चुना हुआ है और बड़े मियाँ भकर भकर खा रहे हैं। इस मरहले के दौरान में भी वो खाना पकाना न भूली थी। दिल ही दिल में वो बोला कि ऐसी औरतें दुनिया में बहुत कम होंगी। खाबगाह की चौखट पर जाकर वो पुकारा, ये रहा सरकंडा। वो इस इंतजार में खड़ा रहा कि ओलान उसे अंदर बुलाएगी, लेकिन नहीं। वो उठकर दरवाजे तक आई और दराज से हाथ निकालकर सरकंडा ले लिया। उसने जबान से एक लफ्ज न निकाला, लेकिन वो किसी ऐसे जानवर की मानिंद हांप रही थी जो दूर से दौड़कर आया हो। बुड्ढे ने रिकाबी से सर उठाकर कहा, खाना ठंडा हो रहा है। और फिर वो यूं मुखातिब हुआ, घबराने की कोई बात नहीं, इसमें अभी देर लगेगी। जब मेरे घर पहला बच्चा हुआ तो सारी रात बीत गई थी। सोचने की बात है कि मैंने और तेरी माँ ने जितने बच्चे पैदा किए, 15 या 20 ठीक से अब याद भी नहीं, उनमें से ले देकर एक तू रह गया है। अब तेरी समझ में आया कि औरत को क्यों लगातार बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन टेप का ये बंद उसने यूं दोहराया गोया अभी उसके ख्याल में आया है। कल इस वक्त तक मैं एक पोते का दादा हूंगा, यह कहकर वो बेतहाशा हंसने लगा और खाना छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में देर तक बैठा खिलखिलाता रहा। लेकिन वांगलुंग दरवाजे से कान लगाए हांपने और कांखने की आवाजें सुनता रहा। दरार से गर्म खून का भपारा सा आया और उसकी बू ऐसी करीह थी कि वो सरासीमा हो गया। औरत अब जल्दी जल्दी और जोर से हांप रही थी, गोया कोई जेर लब कराह रहा हो। ताहम वो आवाज से न चिल्लाई। अब उसके लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त हो गया कि वो कमरे में घुसना ही चाहता था कि तीर की तरह एक चीख बाहर निकली और वो सब सुध बुध भूल गया। औरत की बात न पूछकर वो बेसब्री से पुकार उठा, क्या वो लड़का है? जवाब में मुसलसल चीखों का एक सैलाब सा बाहर निकला, लेकिन वांगलुंग वही रट लगाए गया, क्या लड़का है मुझे बस यही बता दो। और औरत का जवाब भटकी हुई सदाए बाजगश्त की तरह आया, हां लड़का। यह सुनकर वांगलुंग कुर्सी से जा लगा। यह सब कितनी जल्दी खत्म हो गया। खाना कभी का ठंडा हो चुका था और बड़े मियाँ की पीठ तख्त से लग चुकी थी, मगर यह तो जादू का खेल हो गया। वांगलुंग ने बाप का कांधा झिंझोरा और गोया फतह का तराना गाते हुए चिल्लाया, लड़का है लड़का, मैं इसका बाप हूं और तुम उसके दादा। बुड्ढा हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसी अंदाज से हंसने लगा जिस तरह हंसते हंसते उसकी आंख लग गई थी। मैंने तो पहले ही कहा था, मर्द है मर्द, नर है नर, और मैं हूं उसका दादा। और इसी तरह हंसते हंसते वो दोबारा सो गया। बासी चावलों की रिकाबी उठाकर वांगलुंग खाने लगा। एक बैक उसे शिद्दत की भूख महसूस हुई और नवाले उसके गले में अटकने लगे। कमरे के अंदर से औरत के इधर उधर फिरने की आवाज आ रही थी और बच्चा गला फाड़ कर लगातार रो रहा था। वांगलुंग खुद बखुद फखरिया बोल उठा, अब इस घर से सुनसानपन और सुकून उठ गया। पेट भर खाकर जब वो चौखट पर गया तो ओलान ने उसे अंदर आने को कहा। हवा अब भी गर्म खून की बू से बसी हुई थी, लेकिन लकड़ी के तसले के अलावा और कहीं उसका निशान न था। उसे भी पानी से खंगाल कर उसने पलंग के नीचे सरका दिया था ताकि किसी की नजर न पड़े। सुर्ख मोमबत्ती रोशन कर दी गई थी और जच्चा सफेद चादरों में लिपटी हुई थी उसके बगल में बच्चा पड़ा हुआ था और इस इलाके के रिवाज के मुताबिक वो बाप के पुराने पायजामे से ढका हुआ था। वांगलू उनके करीब गया और कुछ देर के लिए दम बखुद रहा। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा।
और वो झुककर बच्चे को देखने लगा। उसके गोल चेहरे पर झुर्रियां थीं और माथे पर लंबे और गीले काले बाल फैले हुए थे। वो रोना बंद करके आंखें नीचे सो रहा था। मियां बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाल अब भी दर्द जह के पसीने से नम थे और आंखें अंदर धसी हुई थी। इसके सिवा उसमें तगय्युर न हुआ था, लेकिन उसे इस हाल में देखकर वांगलुंग का दिल भर आया। उसका सीना उन दोनों की मोहब्बत से लबरेज था, और जब उसकी समझ में न आया कि ऐसे मौका पर क्या कहे, तो वो बोला, कल मैं शहर से आध शेर लाल शकर खरीद लाऊंगा और गुनगुने पानी में इसे घोलकर तुम्हें पिलाऊंगा। जब बच्चे को उसने दोबारा देखा तो यह ऐलान एक बैक उसकी जबान से निकला, हमें टोकरी भर अंडे खरीदना और गांव भर के लिए लाल रंग में रंगना है, वरना गांव वालों को कैसे मालूम होगा कि मेरे घर बेटा हुआ है। बाकी आइंदा।